गाइस, ट्वेल्थ क्लास हमने ना ठोस अवस्था अपना चैप्टर स्टार्ट हो गया था, और इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो हमने स्टार्टिंग तो कर दी थी, है ना। एक लेक्चर मेरा आ गया था यहाँ पर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, और इससे पहले अगर मैं बात करूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो देखो हमने देखा था सबसे पहले कि ठोस पदार्थ की तीन अवस्थाएँ होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस की द्रव और गैस अपने सिलेबस में है नहीं ट्वेल्थ क्लास में, हमें ठोस अवस्था पढ़ना है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ठोस अवस्था की, तो हमने क्या देखा था कि जो ठोस होता है उसको दो भागों में बांटा गया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अगर मैं बात करूँ किसकी, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, तो हमने क्या देखा था कि ये जो दोनों भाग थे वो किस आधार पर बनाए गए थे, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो जो क्रिस्टलीय होते हैं उनमें तो क्या होता है, अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय होता है उसमें अवयवी कण व्यवस्थित नहीं होते, है ना, यही बात थी। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस थे उनको हम बोलते हैं वास्तविक ठोस बोलते हैं, ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और जो अक्रिस्टलीय थे उन्हें हम क्या बोलते हैं, आभासी ठोस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको दोबारा से हमने चार भागों में बांटा था, ये हम सब पहले से ही पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता रखा था। अब क्या करना है, देखो जो चार भाग मैंने बताए थे उनको एक बार हम एक टेबल के रूप में पढ़ते हैं, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में जैसे रिवीजन करना हो तो बार बार हमें पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़े, ठीक है। तो देखो ये चार भाग बने। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आयनिक ठोस है, अगर मैं बोल रही हूँ कि वो आयनिक ठोस है, तो इसका मतलब वो किससे बना है, आयनिक ठोस किससे बनेगा, ये चारों जो प्रकार हैं वो किसके, क्रिस्टलीय ठोस की हैं। अगर मैं बात करूँ आयनिक ठोस की, तो आयनिक ठोस किससे बनेगा, आयनों से बनेगा। तो इसमें ये आयनों से बना है, जिनसे वो बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अवयवी कण। कोई भी ठोस जिससे बना है किसी न किसी कण से ही तो बना है, तो अवयवी कण बोलते हैं इनको। तो आयनिक ठोस में अवयवी कण कौन होंगे, आयन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बतानी थी मुझे, यहाँ पर जो सहसंयोजी ठोस होते हैं उनका एक नाम और होता है, और एक नाम क्या होता है, एक काम करते हैं एक साथ लिखते हैं इसको, मैं एक मिनट के लिए लगाती हूँ। सहसंयोजी ठोस का ही एक और नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस। क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि नेटवर्क जब बनाते हैं एक कार्बन चार कार्बन से, फिर वो चार कार्बन अन्य चार कार्बन से बंध बनाएगा, हीरे में यही तो होता है। तो जब नेटवर्क ठोस, नेटवर्क बने ना, जालक संरचना बने, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, सहसंयोजी ठोस, ठीक है। इसके बाद ये धात्विक ठोस है, ये आणविक ठोस के कितने भाग थे, तीन भाग थे आणविक ठोस के। कौन कौन से तीन भाग थे, देखो आणविक ठोस के तीन भाग थे, अध्रुवीय, सेकंड ध्रुवीय, और थर्ड कौन सा था, हाइड्रोजन आबंधित, है ना। और ये तीनों हमने पढ़ रखे हैं पहले। तो देखो आयनिक की बात करते हैं, आयनिक वाले में क्या होगा, आयनिक वाले में अवयवी कण की बात करते हैं, तीनों चारों की अवयवी कण। सबसे पहले आयनिक ठोस किससे बना है, आयनों से, तो जिनसे वो बना है वो क्या हो गए, अवयवी कण। धात्विक ठोस की बात करते हैं, किससे बनेगा, धातुओं से, तो धातु इसमें क्या हो गए, अवयवी कण, ठीक है ना। आयनिक ठोस आयनों से बना, धात्विक ठोस धातु से बना, और ये तीनों जो आणविक ठोस हैं वो किससे बने होंगे, किसी ना किसी अणु से बने हैं, अणु से बने हैं तभी तो इनका नाम क्या हो गया, आणविक ठोस। तो इसमें अवयवी कण कौन होंगे, अणु होंगे, ठीक है, अवयवी कण कौन हो गए, अणु। अब रह गया अपना कौन सा, सहसंयोजी ठोस। तो सहसंयोजी ठोस में क्या आएगा, अगर तुम इसके एग्जाम्पल याद रख लेते हो ना तो ये वाली बात समझ में आ जाएगी। कैसे, कि अगर मैं कह रही हूँ कि सहसंयोजी ठोस है तो कार्बन एग्जाम्पल आएगा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन आएंगे, और हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन किसके अपर रूप है, कार्बन के अपर रूप है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अधातु, ठीक है। अब सुनना एक बात, आयनों से बनने वाला ठोस आयनिक ठोस, धातुओं से बनने वाला ठोस धात्विक ठोस, अणुओं से बनने वाला ठोस आणविक ठोस, और अधातुओं से बनने वाला कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजी ठोस, ठीक है ना। अधातुओं से बनने वाला ठोस कौन सा हो जाएगा, सहसंयोजी ठोस। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें आकर्षण बल की, किस में कौन सा आकर्षण बल होता है। तो देखो यहाँ पर आकर्षण बल के लिए क्या करेंगे, आकर्षण बल, आयन है ना, दो प्रकार के आयन होते हैं, कौन कौन से, आकर्षण बल या बंद बोल सकते हो, ठीक है, आकर्षण बल या फिर हम क्या बोलेंगे, बंद, कि किस में कौन सा बंद होता है। तो सबसे पहली बात तो आयनिक ठोस में आयनिक बंद होता है, आयनिक ठोस में आयनिक बंद होता है, सही है। अगर मैं बात करूँ बल की,
कौन सा इसमें आकर्षण बल होता है? तो देखो, धनायन और ऋणायन दोनों ही तो आयन होते हैं, NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कौन सा होता है? हम जानते हैं, फिजिक्स में हमने पढ़ रखा है, उस बल का नाम होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, आगे की बात करते हैं, इसमें कौन सा बल होगा या बंद होगा? अगर बल नहीं तो बंद तो पता है हमें, धात्विक ठोसों में पाया जाने वाला बंद कौन सा हो गया? धात्विक बंद। ऐसे ही सहसंयोजी ठोसों में पाया जाने वाला बंद कौन सा हो जाएगा? सहसंयोजी बंद हो जाएगा। अब इनकी बात करते हैं, किसकी? आणविक ठोस की। आणविक ठोस में कितने प्रकार हैं? तीन है ना, ध्रुवीय है और ध्रुवीय है और कौन सा है, हाइड्रोजन आबंधित है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आबंधित में तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड ही मिलेगा, ठीक है। अब बचे दो, अध्रुवीय और ध्रुवीय। पहले बात करते हैं ध्रुवीय की। ध्रुवीय में क्या आता है? HCl, H प्लस, दो ध्रुव बन गए ना यहाँ पर, H प्लस और Cl माइनस, दो ध्रुव बन गए। इसका मतलब क्या होगा? देखो ऐसे होता है, इसका मतलब एक HCl का अणु, ये लिखा मैंने HCl, ये 11th क्लास में भी था ये टॉपिक, और ये भी क्या है यहाँ पर HCl, एक प्लस और ये कौन सा हो गया माइनस, ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, दो ध्रुव बन गए ना। तो दो ध्रुवों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल का नाम क्या होगा? द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण बल को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण बल, किसमें? ध्रुवीय में, ठीक है। अब रह गया कौन सा? अध्रुवीय। तो अध्रुवीय में कौन सा बल आएगा? अगर मैं बात करूँ अध्रुवीय की तो H2 है, ये अध्रुवीय है हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें तो प्लस माइनस आ ही नहीं सकता, दोनों सेम है। अच्छा, तो फिर इसमें कौन सा बल होगा? जहाँ पर प्लस माइनस नहीं बनते उनको हम बोलते हैं अध्रुवीय, और अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगने वाले फोर्स का नाम क्या होता है? लंदन फोर्स, ठीक है। एक तो ये होता है, और इसी का ही एक और नाम होता है, एक तो हम बोलते हैं लंदन फोर्स, और इसी का ही नाम होता है एक और, एक सेकेंड, परिक्षेपण बल, ठीक है ना, इसी का ही नाम होता है एक और परिक्षेपण बल। तो कुछ भी लिख सकते हो, एक तो मैं लिखती हूँ लंदन फोर्स, ठीक है, और एक और लिख दिया कौन सा, परिक्षेपण, इसी का ही नाम है। अब देखो इसके बाद परिक्षेपण बल, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर एक और कौन सा पॉइंट है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड की बात करते हैं, चालकता। अगर मैं बात करूँ चालकता का मतलब विद्युत धारा का प्रवाह होना, और विद्युत धारा के प्रवाहित होने का कारण कौन होता है? विद्युत धारा के प्रवाहित होने का कारण होते हैं दो, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा कौन सा होता है? आयन। इलेक्ट्रॉन और आयन, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन फ्री हो, मुक्त हो, गति करेंगे वो, और इलेक्ट्रॉन के कारण तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम जानते हैं ये बात। तो अब क्या होगा, सुनना, धात्विक ठोस किससे बनाए? धातुओं से। और हमें पता है कि धातुओं का तो काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ये हमेशा तैयार बैठे होते हैं किस बात के लिए? इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के लिए। इसका मतलब धात्विक ठोस सदैव क्या होंगे? सदैव सुचालक होंगे, सही है ना। धात्विक ठोस सदैव क्या होंगे? सुचालक, चाहे वो कौन सी भी अवस्था में हो, ठोस हो, द्रव हो, विलयन में हो, सदैव सुचालक होंगे। और क्यों होते हैं सुचालक? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद, और किसके कारण चालकता आती है बताओ? एक तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन के कारण आएगी, और दूसरी आयनों के कारण, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो और कौन हो? आयन हो, ठीक है। अब आयन कहाँ बनेंगे? देखो यहाँ पर आयनिक ठोस है ना, आयनिक ठोस है तो किससे बना है? आयनों से बना है, तो आयनों से बना है इसीलिए यहाँ पर क्या आएगी? चालकता आएगी, ठीक है। लेकिन जब तक ये ठोस अवस्था में है, जब तक ये ठोस अवस्था में, तो क्या होगा? धनायन किससे जुड़ा होगा? ऋणायन से। मान लो एक धनायन है, दूसरा ऋणायन है, और ठोस है, ठोस में कण कहाँ होते हैं? पास पास। इसका मतलब कि धनायन ऋणायन तो आपस में जुड़े हुए हैं, जब तक जुड़े हुए हैं तो वो गति कर ही नहीं सकते, गति नहीं करेंगे तो चालकता नहीं आएगी। इसका मतलब आयन तो हैं लेकिन वो आयन मुक्त नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो कैसा हो गया आयनिक ठोस? कुचालक, ठीक है। तो चालकता की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि ठोस अवस्था में, जब तक वो ठोस है, ठीक है, ठोस अवस्था में वो क्या होते हैं? ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं कुचालक? क्योंकि उनके पास आयन नहीं है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तुम समझ लेना,
कुचालक, अगर नोट कर रहे हो तो ये लाइन ऐड कर देना, मुक्त आयनों की अनुपस्थिति, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, मुक्त आयन नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, गलित अवस्था में, यानी हमने उनको मेल्ट कर दिया गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में। जैसे ही हमने उनको कहाँ मिला दिया, जलीय विलयन में मिलाया, क्या होगा, ये जो आयनित ठोस था ना वो किस में टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा, और आयनों में टूट जाएगा तो ये क्या बन गया, सुचालक। आयनों में टूट गया तो क्या बन गया, सुचालक, क्योंकि आयन अब गति करेंगे। जब तक वो ठोस अवस्था में था मुक्त आयन नहीं थे, जब वो गलित अवस्था में आया, जलीय विलयन में आ गया, तो उनके पास क्या आ गए, मुक्त आयन आ गए, ठीक है। और जैसे ही मुक्त आयन आ गए तो वो क्या बन गया, सुचालक। अब अपने पास दो रह गए, एक तो सहसंयोजी ठोस और दूसरा कौन सा है, आण्विक ठोस। अगर मैं बात करूँ सहसंयोजी ठोस की, अधातु से बना है, तो अधातुओं से बना है ये हमेशा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद कौन सा है, हीरा, हीरा है ना, हीरा नहीं ग्रेफाइट, इसका एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, कार्बन का। अच्छा, इसमें कौन कौन आएंगे, मैंने कह दिया तुमसे कि इस बात को याद रख लो, सहसंयोजी ठोस में कौन आएगा, सहसंयोजी ठोस में कार्बन के अपर रूप आएंगे। दूसरी बात, वही आएंगे जो क्या बनाते हो, नेटवर्क। अच्छा, ये मैंने बता रखा है इसे पहले वाले लेक्चर में। तो जितने भी सहसंयोजी ठोस हैं वो क्या हैं, कुचालक होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट क्या है, इसका अपवाद है, ठीक है। यहाँ पे अपवाद वर्ड लिख देना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, हम जानते हैं ये बात, तो ये क्या हो गया, ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, सुचालक हो गया, है ना, अपवाद लिखा हुआ है ग्रेफाइट। आगे कौन रह गया, आण्विक ठोस। आण्विक ठोस तो अणुओं से बने हैं, सही है, आण्विक ठोस किससे बने, अणुओं से बने। अच्छा देखो, एक बात सुनना, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक एच, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गति कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये परमाणु है ना, हम तो किसकी बात कर रहे हैं, अणु की बात कर रहे हैं। ये लो अणु आ गया, और दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, बंध बना लिया। तो जब जब अणु बनेगा तो परमाणु आपस में क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे ना। एक इलेक्ट्रॉन किससे जुड़ जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएगा, तो इनके पास क्या नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये क्या होंगे, कुचालक। ये भी क्या होगा, कुचालक, और ये वाला भी क्या होगा, कुचालक। एक क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे दिमाग में कि क्या हमेशा ही कुचालक होंगे, कभी ज़िंदगी में चालकता प्रदर्शित करेंगे ही नहीं। तो देखो, ये वाली जो बात चल रही है ना, सामान्य बात जो चल रही है, वो कमरे के ताप पर, सामान्य कमरे के ताप पर तीनों ही क्या होते हैं, कुचालक। अब मान लो तुम्हें गुस्सा आ गई और तुमने बहुत गर्म कर दिया इसको, ध्रुवीय वाले को, और ध्रुवीय वाला कौन था, HCl था, तुम गर्म करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आखिर तो ये टूटेगा, सही है ना, HCl है, प्लस और माइनस से टूट गया, और क्या करेगा, चालक था। तो हम जो बात करते हैं ना, वो सामान्यतः कमरे के ताप पर करते हैं, कि कमरे के ताप पर ये तीनों क्या होंगे, कुचालक होंगे। लेकिन उच्च ताप पर जो ध्रुवीय वाला है क्या प्रदर्शित करेगा, चालकता, आयन बन जाएंगे उसमें, ठीक है। इतनी बात हो गई, थर्ड पॉइंट हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट की, गलनांक। फोर्थ पॉइंट कौन सा है अपना, गलनांक। एक सेकेंड, ये तुम्हें दिख जाएगा गलनांक, हाँ दिख जाएगा, ठीक है। देखो फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट में क्या है, यहाँ पर गलनांक है। अब मुझे तो बस एक एक वर्ड लिखना है यहाँ पर, इनमें से कौन सा प्रबल बंध है, प्रबल बंध, आयनों के मध्य बनने वाला बंध कैसा होता है, प्रबल होता है, सही बात है ना, आयनों के मध्य जो बंध बनता है वो प्रबल होता है। अच्छा, और सहसंयोजी बंध जालनुमा संरचना बना रहा है, नेटवर्क बना रहा है, तो ये भी प्रबल होगा, ये तो सबसे ही प्रबल होगा, और सबसे ही प्रबल है तो इसका गलनांक कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका गलनांक हो गया सर्वोच्च, कैसे लिखें, सबसे ज़्यादा, सबसे उच्च, ठीक है, इसका गलनांक लिखते हैं सबसे उच्च, क्योंकि ये जालनुमा संरचना बना रहा है। आयनिक बंध प्रबल होता है तो इसका गलनांक भी क्या होगा, उच्च ही होगा, सही है। धात्विक ठोस, धातु, सॉलिड, लोहे की छड़ ले लो, तो लोहे की छड़ तो अपने आप में क्या होती है, ठोस होती है और प्रबल भी होती है, तो इसका गलनांक भी क्या होगा, उच्च होगा। चलो भाई, इन सब का गलनांक उच्च हो गया। अब यहाँ वालों पर आ जाओ, आण्विक ठोस। आण्विक ठोस जो होते हैं इन तीनों की तुलना में दुर्बल होते हैं, ठीक है, आण्विक ठोस जो होते हैं वो इन तीनों की तुलना में दुर्बल होते हैं, और अगर ये दुर्बल होते हैं तो इनका गलनांक, दुर्बल कैसे, इनका गलनांक तीनों का ही, मैं तीनों का ही लिख देती हूँ, इनका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा, इनका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है। ये हो गई किसकी बात, गलनांक की।
और नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक गुण और था, मैं ऊपर ऊपर लिख देती हूँ, यहाँ पर नीचे दिखेगा नहीं। धात्विक ठोस कैसे होते हैं? हमें पता है कि धात्विक ठोस कठोर होते हैं, प्रकृति की बात करते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, ऊपर लिख देती हूँ प्रकृति। हमें पता है कि धात्विक ठोस कठोर होते हैं और 9th-10th क्लास में हमने पढ़ रखा है कि धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब अगर डाउट हो कि तन्यता और आघात वर्धनीयता क्या होता है, तो इनको आघात वर्धनीयता इनको हम क्या कर सकते हैं, पतली तार और चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये वाला गुण तो धातुओं में होता है। अच्छा, सहसंयोजी ठोस कैसे होते हैं? ये भी कठोर होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर मतलब चौक के समान, ऐसे सॉफ्ट से आसानी से क्या हो जाएंगे, टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये कैसा होता है, आयनिक ठोस, कठोर होता है। अब बचे आण्विक ठोस, तो आण्विक ठोस तो सबसे दुर्बल है, और सबसे दुर्बल है इसका मतलब ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ लिखती हूँ सॉफ्ट, यानी कि क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ये हो गई इनकी प्रकृति की बात। सबसे लास्ट में इनकी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किस में क्या एग्जाम्पल आना है। तो देखो यहाँ पर आयनिक ठोस आयनों से बना, ये लो NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, KCl, K प्लस और Cl माइनस। मैंने शायद पहले नहीं बताया हो या बताया हो, एक बार दोबारा सुन लो। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा हो कि हम कैसे पहचानेंगे आयनिक ठोस कौन सा है, तो ध्यान रख लो। क्या ध्यान रखोगे, आवर्त सारणी, ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा सा यही बना देती हूँ, आवर्त सारणी। और इस आवर्त सारणी का पहला, दूसरा वर्ग, पहले या दूसरे में से कोई सा भी 16 और 17 वर्ग के साथ बंध बनाता हुआ मिल जाए, पहले और दूसरे वर्ग का तत्व 16 और 17 वर्ग के साथ बंध बनाता हुआ मिल जाए, तो वो कौन सा होगा, आयनिक ठोस। क्योंकि पहले वर्ग वाले दूसरे वर्ग वाले इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, और ये वाले दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं। ये देने वाला प्लस बनाएगा, ये लेने वाला माइनस बनाएगा, और कौन सा बन जाएगा, आयनिक ठोस। एक एग्जांपल देख लो बस, इनमें से मैं बस एक ही बताऊंगी, फिर मैं आगे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा होता है बेटा मांगी कार स्कूटर, तो मैं एमजी की बात कर लेती हूँ। एमजी कौन से वर्ग में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है ना, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यानी दे दिए इसने, और जब दे दिए तो क्या बनाएगा, प्लस। और 16वें वर्ग में कौन आता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, 16वें वर्ग में यही आता है। तो एमजी ने किसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो ऑक्सीजन को दे दिए, तो इसने दिए इलेक्ट्रॉन, इसने लिए इलेक्ट्रॉन, इसने दिए तो प्लस टू, इसने लिए तो माइनस टू, यानी MgO किस में आ जाएगा, आयनिक ठोस में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आयनिक ठोस में कौन आएगा, इसको ध्यान रखना, कौन आने वाला है, पहले या दूसरे वर्ग के तत्व, पहले या दूसरे वर्ग का तत्व जब किसके साथ बंध बना ले, 16 या 17 वर्ग के साथ, ठीक है। 17 वर्ग के कौन से होते हैं, फिरकल बाहर आई, पहचान लेना आप, है ना। अब देखो सहसंयोजी ठोस में कौन आएगा, सहसंयोजी ठोस में आएंगे कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप कौन से हैं, कहाँ लिखूँ, कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, और कौन आएगा, फुलरीन, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, इसके अलावा क्वार्ट्ज। अब तुम कहोगे क्वार्ट्ज क्या होता है, तो क्वार्ट्ज ना SI से बनता है, और SI कितने बंद बनाता है, सिलिकॉन 4 बंद बनाता है, फिर 4 बंद जो सिलिकॉन से बने वो दोबारा 4 बंद बनाएंगे, तो नेटवर्क संरचना बनती है, ठीक है। इसीलिए सिलिकॉन की जो भी एग्जांपल आए, मान लो तुम्हें ये लिखा मिले सिलिकॉन कार्बाइड, तो ये भी किस में आएगा, सहसंयोजी ठोस में आएगा, नेटवर्क ठोस में आएगा, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल हैं, हीरा, ग्रेफाइट, एक सेकंड, ये किस में आएंगे, इसमें आएंगे हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, और ये क्या है यहाँ पर, सिलिकॉन, ठीक है। इसके बाद धात्विक ठोस में तो तुम जानते हो, धात्विक ठोस में मैंने Fe, Cu, Mg, ठीक है ना, Zn, ये सारे आ जाएंगे, जितनी भी धातुएं हैं वो सब किस में आ जाएंगी, धात्विक ठोस में आ जाएंगी। अच्छा, और कौन आएगा धात्विक ठोस में, जितनी भी मिश्र धातु होती हैं, ठीक है, जितनी भी क्या होती हैं, मिश्र धातु, पीतल, कांसा, धातुओं का मिश्रण है, तो धात्विक ठोस ही आएगा। यहाँ पे आ जाओ आण्विक ठोस में कौन आएगा, हाइड्रोजन आबंधित, कौन बनाता है भाई हाइड्रोजन बंद, FON, तो F से बनने वाला HF, अगर HF दे रखा हो तो फ्लोरीन है ना, हाइड्रोजन बंद बनाएगा, यानी हाइड्रोजन आबंधित ठोस, आण्विक ठोस। ऑक्सीजन वाला कौन होता है, H2O, ये भी बनाएगा, और नाइट्रोजन वाला कौन होता है, अमोनिया। अगर ये तीन दे रखे हैं तुम्हें, तो ये तीनों हाइड्रोजन बंद बनाते हैं, एक HF का अणु
दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, एक H2O का अणु दूसरे H2O के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो ये कौन सा ठोस हो गया? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ठीक है, ऐसे ही अमोनिया। अध्रुवीय, ध्रुवीय में कौन आएगा? HCl आ जाएगा ध्रुवीय में, ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है HCl आएगा। अच्छा, अध्रुवीय में कौन आएंगे? हाइड्रोजन आएगा, क्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि इनमें कोई, दोनों समान है ना, कोई ध्रुव बनेगा ही नहीं। जितनी भी अक्रिय गैस हैं वो सब किस में आएंगी? आणविक ठोस में आएंगी। तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अक्रिय गैस गैस हैं तो हम उसको ठोस में क्यों पढ़ रहे हैं? अक्रिय गैस हैं तो हम इनको ठोस में क्यों पढ़ रहे हैं? चलो एक काम करना, इसका आंसर तो मुझे कमेंट सेक्शन में करना कि अक्रिय गैस के जो भी उदाहरण हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उन सबको अक्रिय गैस हैं, क्रिया करेंगी नहीं, प्लस माइनस बनाएंगी नहीं, तो मैं बोल रही हूँ कि वो अध्रुवीय, अध्रुवीय के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अक्रिय गैस तो गैस अवस्था में है ना, हम उनको ठोस में क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दो एग्जाम्पल जहाँ तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, कौन सी? एक तो है CO2 और एक है SO2, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ SO2। तो ये किसके उदाहरण हैं? यहाँ देखो CO2 को हम ऐसे बनाते हैं और SO2 को ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते भाई? CO2 ऐसे बना रहे हो तो SO2 ऐसे बना दो, ऐसे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों ने बॉन्ड बना लिया। सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बंध बनाया, ये लोन पेयर। और लोन पेयर के कारण ये बंध कहाँ पर आ जाएंगे? लोन पेयर धक्का देगा, ये बंध कहाँ पर आ जाएंगे? नीचे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये वाला जो CO2 है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा इधर, ये वाला ऑक्सीजन ले जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर। मान लेते हैं ऑक्सीजन जिस बल से आकर्षित कर रहा है उसका मान कितना है? x। तो यहाँ पर भी x ही है क्योंकि ऑक्सीजन ही है, लेकिन इसका मान तो प्लस x है और इसका मान कितना है? माइनस x है। तो कुल मान कितना आ गया? 0। इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू, द्विध्रुव आघूर्ण। 11th क्लास का टॉपिक है CO2। कार्बन के, ये कार्बन 4 बंद बनाएगा। जब इसने 4 बंद बनाए तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऐसी संरचना आएगी, SO2 की नहीं आएगी क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर धक्का देगा, ये बंद कहाँ जाएंगे? नीचे। ये वाला ऑक्सीजन प्लस एक्स से आकर्षित कर रहा है, एक्स से आकर्षित कर रहा है, कोई ना कोई मान आएगा, मान को हमने एक्स लिखा है। ये वाला ऑक्सीजन भी, दोनों समान ही तो हैं, तो ये भी एक्स से ही आकर्षित करेगा, है ना। लेकिन हुआ क्या, ये हुआ कि क्या हो गया, दोनों की दिशा अलग अलग है, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू का मान कितना आएगा? 0। म्यू का मान 0 है तो ये CO2 किसका एग्जाम्पल है? ये जो मैंने CO2 से यहाँ समझाया है ना, जगह यहाँ पर थी इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है। CO2 किसका एग्जाम्पल आएगा? अध्रुवीय वाले का। ठीक है, CO2 किसका एग्जाम्पल आएगा? अध्रुवीय वाले का। अब देखो ध्रुवीय वाले की बात करते हैं, यहाँ पर ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कुल मिलाकर दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ ले जाएंगे? नीचे, नीचे की ओर आकर्षित करेंगे, ये लो नीचे ले जा रहे हैं। और ऑक्सीजन का लोन पेयर के कारण हमेशा कहाँ जाते हैं? ऊपर। लोन पेयर के कारण हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाते हैं? ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सुनना, कि SO2 में लोन पेयर के कारण गए ऊपर, हमेशा ऊपर ही जाते हैं लोन पेयर के कारण, ऑक्सीजन के कारण गए नीचे। अगर ऑक्सीजन के कारण X है तो बताओ लोन पेयर के कारण Y होगा क्या? X होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नीचे गए हैं ऑक्सीजन के कारण, X आ गया, यहाँ ऊपर गए हैं लोन पेयर के कारण, मान कितना आएगा? Y। दोनों मान अलग अलग है ना, एक का मान X है और दूसरे का मान क्या है? Y है। तो एक को मैं लिख रही हूँ प्लस एक्स, एक को मैं लिख रही हूँ माइनस, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो, हमने माना ही तो है। तो एक्स माइनस वाई दोनों अलग अलग हैं, और जब एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये जीरो नहीं आएगा। जब जीरो नहीं आएगा तो हम इसको किस में रखेंगे? ध्रुवीय में। जब जीरो नहीं आएगा तो हम इसको किस में रख देंगे? ध्रुवीय में। ठीक है, वैसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में ये टॉपिक बता दिया था, हो सकता है कि थोड़ा सा मिक्स हो गया हो। अगर कोई डाउट आता है ना तो तुम मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, और नहीं तो इससे पहले वाली वीडियो को देख लेना एक बार, पहले उससे समझना, फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना। ये अपना टॉपिक हो गया। अब इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, सुनना क्वेश्चन कैसे आएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो यहाँ लिखती हूँ क्वेश्चन क्या है। देखो
माना कोई ठोस है ए, माना कोई ठोस है ए, अब ये कोई सा भी हो सकता है ठोस, जिसके क्या हो रहे हैं जो कुचालक है, जो क्या है कुचालक है, ठीक है, जो कुचालक है, और गलनांक कैसा है उसका उच्च है, सही है, गलनांक कैसा है उसका उच्च है। दो बातें बोली हैं उसने, क्या क्या बोला है देखो, माना कोई ठोस ए है, वो कुचालक है और उसका गलनांक कैसा है उच्च है, तो बताओ वो कैसा ठोस होगा, तो बताओ वो कैसा ठोस होगा, इन चारों में से कौन सा ठोस होगा, ए कुचाल, ए क्या है कुचालक है, उच्च गलनांक है, तो वो कैसा ठोस होगा। अब देखो आंसर कैसे करेंगे, हमारे पास चार प्रकार के ठोस हैं, उनमें से दो तो हैं सुचालक, देखो दो सुचालक हैं ये रहे, मतलब कभी कभी तो ये सुचालक होता है ना, तो सुचालक अगर आ जाता है तो हम इनकी बात करेंगे, सही है, और अगर कुचालक आ जाता है तो हम इनकी बात करेंगे, ये रहे, तो इसने क्या दे रखा है, कुचालक दे रखा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुचालक का मतलब या तो होगा सहसंयोजी ठोस, या तो कौन सा होगा सहसंयोजी ठोस होगा, ये लो, कुचालक का मतलब या तो कौन सा ठोस सहसंयोजी, या फिर इस कुचालक का मतलब कौन से ठोस की बात कर रहा है, वो आण्विक ठोस की बात कर रहा है, इन दोनों में से कोई होगा। अब अगली बात करते हैं, आगे वाला पॉइंट क्या है, उच्च गलनांक, दोनों में से कैसे पहचानेंगे, इसका गलनांक कैसा था निम्न है, और सहसंयोजी वाले का कुचालक क्या है उच्च है, यानी कि वो किसकी बात कर रहा है। अब तो तुम समझ गए होगे कि जो ए ठोस है वो कौन से ठोस की बात कर रहा है, सहसंयोजी ठोस की, ए किसकी बात कर रहा है, वो सहसंयोजी ठोस की, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इनमें से अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ये टेबल तो पूरी है ना, केवल समझने के लिए थी, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा एक तो ये वाला जो मैंने अभी अभी करवाया, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरी बात, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक और गलित अवस्था में सुचालक क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, आयनिक ठोस ठोस अवस्था में कुचालक और गलित अवस्था में सुचालक क्यों होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, आयन मुक्त आयन नहीं होते इसलिए कुचालक होता है, जबकि गलित अवस्था में या जलीय विलयन में क्या होता है, आयनों के मध्य का बंध टूट जाता है और आयन मुक्त हो जाते हैं, मुक्त आयनों की गति के कारण, मुक्त आयन है गति करेंगे, क्या प्रदर्शित करता है वो, चालकता प्रदर्शित करता है, कौन सा ठोस आयनिक ठोस, ठीक है, ये अपनी टेबल हो गई। और इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर मैं बात करूँ तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एक तो इसमें टॉपिक आता है कौन सा, विषम दैशिकता और सम दैशिकता, ठीक है, ये वाला टॉपिक है, तो विषम दैशिकता और सम दैशिकता जो टॉपिक रह गया था एक बार उसको समझ लेते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जल। विषम दैशिकता एक टॉपिक होता है, गुण होता है ठोसों का, ठीक है, और ऐसे ही क्या होता है, एक होता है सम दैशिकता। अब है ना, ये वाली बात मैंने तुम्हें पहले बताई थी और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अभी तुम इतना समझ लो कि विषम दैशिकता क्या होता है, सम दैशिकता क्या होता है, ये मैंने तुम्हें कहाँ पे वर्ड बताया था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में मैंने तुमसे कहा था कि जो विषम दैशिकता वाला गुण होता है वो किस में मिलता है, विषम दैशिकता वाला गुण मिलता है किस में, क्रिस्टलीय ठोसों में, है ना, और सम दैशिकता वाला कहाँ मिलता है, अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो ये गुण होते क्या हैं, पहले तो अपन इसकी बात करते हैं कि विषम दैशिक और सम दैशिक गुण होते क्या हैं, ठीक है, तो देखो विषम दैशिकता जो गुण है ना, इसके नाम से ही पता लग रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैशिकता, यानी कि इसका मतलब किससे है, दिशा से, दिशा, ठीक है, और विषम मतलब क्या होता है, जो गुण क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तो अलग अलग दिशाओं में, विषम मतलब क्या है, जो समान ना हो, समान ना हो, सही है ना, तो क्या हो गया विषम दैशिकता का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा ठोस जिसका हमने अध्ययन किया, ठीक है, कहाँ अध्ययन किया, अलग अलग दिशाओं में अध्ययन किया, जब हमने इसका अलग अलग दिशाओं में अध्ययन किया तो हमें क्या पता लगा कि इस ठोस में अलग अलग दिशाओं में गुण क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, इस गुण को हमने क्या बोल दिया, विषम दैशिकता।
अगर नहीं समझ में आए तो अब आएगा। देखो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, किसका एग्जांपल ले रहे हैं अपन, क्रिस्टलीय ठोसों का एग्जांपल ले रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल कौन सा है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या ले लिया मैंने, NaCl। अब हम बनाते हैं यहाँ पर NaCl, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। अब ठोस, ये ठोस है NaCl का, तो इसमें एक Na एक Cl तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होंगे, तो एक Na एक Cl, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर Na, फिर क्या है Cl, Na के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, ठीक है ना, और ये वापस से कौन आ गया Na प्लस, फिर ये इधर कौन आ गया Cl माइनस, ये लो इधर से, फिर इधर कौन आ गया यहाँ पर Na प्लस आ गया, ऐसे होता रहेगा, और भी कर लेते हैं, चलो ये लो Na प्लस Cl माइनस इतना रखते हैं, फिर Cl माइनस Na प्लस, Na का बॉन्ड Cl से बनेगा और Cl का बॉन्ड Na से मिलेगा, ये डायग्राम टेढ़ा हो गया थोड़ा, चलो कोई नहीं तुम समझ जाओगे, Cl माइनस, फिर यहाँ पे आएगा Cl माइनस और ये क्या हो गया यहाँ पे Na प्लस, ठीक है, ये तो बन गया, क्या बन गई NaCl की संरचना। अगर मैं बात करूँ NaCl किससे बना है तो आंसर क्या होगा, आयनों से बना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि NaCl आयनिक ठोस है, हाँ ये आयनिक ठोस है, ठीक है। फिर ये बात करते हैं कि आयनिक ठोस किसका एग्जांपल है, आयनिक ठोस क्रिस्टलीय ठोसों का एग्जांपल है, इसका मतलब मैंने कौन सा ठोस बनाया है, क्रिस्टलीय ठोस बनाया है। अब क्या करना है, इस सॉलिड के गुणों का अध्ययन करना है हमें। तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि जब हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, नमक यूज़ करते हैं घर पे, तो हमें क्या पता है क्या कौन Na कौन Cl, नहीं पता ना, इसका मतलब हमें यहाँ पर भी नहीं पता कि Na कैसा दिखता है, हमें नहीं पता, Cl माइनस कैसा दिखता है, नहीं पता, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म आकार के होते हैं, हम नहीं देख सकते उनको नग्न आँखों से। अब क्या हुआ, जब हम देख ही नहीं सकते तो फिर उनका अध्ययन कैसे करेंगे, नग्न आँखों से तो नहीं कर सकते। अब मुझे इसके सॉल ये जो ठोस है ना, इसका अध्ययन करना है, अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, प्रकाश गुजारेंगे, यहाँ से लाइट पास करेंगे। हमने क्या किया, देखो लाइट पास करी कहाँ से, कहीं से भी कर सकते हो, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कैसे भी कर लो। तो एक सेकेंड, ये दिख जाएगा नीचे से, हाँ ठीक है, चलो देखो यहाँ पर ऐसे करते हैं, यहाँ से ऊपर से करते हैं, ऊपर से नीचे मैंने लाइट पास करी, ठीक है, ये वाली एक्स लिखा, इसको मैंने लिख दिया वाई, क्या किया मैंने, ऊपर से लाइट पास करी, हम लाइट को कहीं से भी पास कर सकते हैं, तो लाइट पास करी, जब मैंने लाइट पास करी, प्रकाश गुजारा, तो हमने क्या देखा कि इधर तो Cl है और इधर कौन है Na, सही है ना, Cl Na, फिर नीचे आओ और गई लाइट नीचे की साइड, ये रो, अब हमें क्या मिला Na मिला, इधर तो Na मिल गया, इधर क्या मिल गया Cl, उल्टा हो गया है ना, फिर और नीचे आए, फिर क्या हुआ, फिर वापस से Cl आ गया, देखो क्या हो रहा है, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, एकांतर क्रम में आ रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, अगर इधर Cl है तो इधर क्या आ रहा है Na, फिर यहाँ से एकांतर क्रम शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि XY दिशा में जाने पर जब हमने अवयवी कणों का अध्ययन किया तो हमें क्या मिला, हमें एकांतर क्रम मिला, ठीक है। ये तो हो गई कौन सी दिशा, XY डायरेक्शन में। अब मानो कि कोई दूसरा आया, ठीक है, एक बॉय ने क्या किया, प्रकाश को यहाँ से गुजारा, अध्ययन कर रहा था वो उसका, अब एक लड़की आ गई, उसने कहा कि यहीं से क्यों लाइट पास की है, तो कहाँ से करी लाइट पास, यहाँ से कर दी, हम कहीं से भी कर सकते, मैंने पहले ही बोल दिया, तो हमने यहाँ से पास कर दी, ठीक है। इसको मैंने क्या लिखा, P, इसे लिख दिया Q, पी क्यू दिशा में लाइट पास करी। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर पी क्यू डायरेक्शन में जब लाइट पास करते हैं तो ऐसे देखो, ये रहा, इधर कौन है Na, और चलो ऊपर, फिर कौन आया Na, और चलो इधर Na, अच्छा इस साइड देखो ऊपर की साइड, इधर कौन है Cl, फिर यहाँ पे कौन है Cl, फिर यहाँ पे कौन है Cl, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक साइड सारी Na है, एक साइड सारे कौन है Cl। एक बार दोबारा देखो मैं क्या बोल रही हूँ, कि अगर हम XY दिशा से लाइट पास करते हैं, ध्यान से देखो XY दिशा से लाइट पास करते हैं तो क्या हो रहा है, एक सेकंड, तो ये हो रहा है कि इधर आया Na, Na को मैं क्या करूँ ऐसे बना देती हूँ, इधर कौन आया Na आया, ठीक है, और इधर की साइड कौन आया है Cl, Cl को स्टार मार्क कर देते हैं। फिर जब नीचे गए तो क्या हो रहा है, देखो Na तो यहाँ आ रहा है, सही है, और Cl को स्टार मार्क करो, एकांतर क्रम में आ रहे हैं। और अगर मैं पी क्यू दिशा में जा रही हूँ तो देखना, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यानी एरो के एक तरफ सारे कौन आ रहे हैं Cl आ रहे हैं, और एरो के दूसरी तरफ कौन आ रहे हैं Na आ रहे हैं,
एरो की दूसरी तरफ कौन, ऐसा तो मैं करना नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। एन ए आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ठोस ऐसा है जिसमें, ये ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस ऐसा है कि जिसको पूरे देखेंगे ना, शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो कण व्यवस्थित है। एन ए के बाद सी एल, सी एल के बाद एन ए, हर जगह यही मिलेगा, पूरे ठोस को देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अलग अलग दिशाओं से अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं से अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो अवयवी कणों की व्यवस्था में भी क्या आ गया, अंतर। कहीं तो हमें एकांतर क्रम मिल रहा है और कहीं हमें एकांतर क्रम नहीं मिल रहा। अलग अलग दिशाओं में जाने पर इस ठोस के गुणों में भी क्या आ रहा है, अंतर। अवयवी कण अलग अलग व्यवस्थित हैं, अवयवी कण अलग अलग व्यवस्थित, तो जो हमें गुण प्राप्त होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग। कौन कौन से गुण, चालकता, चालकता है ना, चालकता अलग अलग आएगी। एनोड यहाँ पर तो क्या होगा, माइनस भी है प्लस भी है, नीचे गए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, एनोड कैथोड मिक्सिंग हो रही है, और यहाँ पर एक साइड वाले सारे प्लस हैं, एक साइड वाले क्या है, माइनस है। तो चालकता है और क्या होती है, अपवर्तनांक। ये जो इनके गुण होते हैं ना, अलग अलग दिशाओं में क्या प्राप्त होते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे ठोस को हम क्या बोल देते हैं, विषम दैशिक। सुन लो एक बार, विषम दैशिकता क्या होती है, ऐसे ठोस जिनमें अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणों अवयवी कणों की व्यवस्था भी क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसके कारण भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक आदि का मान अलग अलग प्राप्त होता है। अलग अलग दिशाओं में जाने पर मान भी, गुण भी क्या प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे ठोस को हम बोल देते हैं क्या, विषम दैशिकता, ठीक है। किसका गुण है ये विषम दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोसों का। अब देखो सुनना, अगर क्रिस्टलीय ठोसों में गुण कैसे प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में गुण कैसे प्राप्त हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, तो अक्रिस्टलीय में क्या होगा, अक्रिस्टलीय में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी गुण सभी जगह कैसे प्राप्त होंगे, समान। इस वाले पॉइंट का हम डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस याद रखना है, क्योंकि क्रिस्टलीय में जो गुण होंगे अक्रिस्टलीय में इसके अपोजिट होंगे। तो यहाँ पर गुण अलग 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 हैं, तो यहाँ वालों में गुण कैसे आएंगे, समान आएंगे, ठीक है। और समान आएंगे तो ये कौन सा गुण हो जाएगा, समदैशिकता। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी बोर्ड जो है उसमें क्वेश्चन दे रखा है, अब वो क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक कोई ठोस है उसको मैं कर देती हूँ इस बार एक्स, यहाँ लिख दे एक्स, तो ये लिखा हुआ है ए लिख देते हैं, ठीक है। एक कोई ठोस है ए, वो अपवर्तनांक का भिन्न भिन्न मान दर्शाता है, अपवर्तनांक का भिन्न भिन्न मान दर्शाता है, तो वह किस प्रकार का ठोस है, ठीक है। क्वेश्चन सुन लो, एक कोई ठोस है कैपिटल ए, वह अपवर्तनांक का अलग अलग मान दर्शाता है, तो वह किस प्रकार का ठोस है। तो देखो अलग अलग मान कौन दर्शाएगा, अलग अलग मान कौन दर्शाएगा, विषम दैशिकता ही तो होती है वो, अलग अलग दिशाओं में जाने पर गुणों के मान भी क्या आ रहे हैं, अलग अलग। ये देखो मैं लिखा रखा है चालकता, अपवर्तनांक, तो वो कौन सा ठोस हो जाएगा, क्रिस्टलीय। यानी वो किसकी बात कर रहा है, क्रिस्टलीय ठोसों की, ठीक है। वो किसकी बात कर रहा है, क्रिस्टलीय ठोसों की। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर अपन क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका क्या होता है, पहले हेडिंग लिखते हैं,